नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज हिसार एवं तैल फाउंडेशन के सौजन्य से रक्षा की रक्षा मुहिम के तहत आज पलवल के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 2474 सेफ्टी एवं हाइजेनिक किट भेंट की गई। संस्था के सदस्य राजेश कुमार ने बताया कि पलवल जिले में आशा वर्कर, MPSW, ANM सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी COVID-19 के दौरान फ्रंट लाइन में खड़े होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। संस्था ने रक्षक की रक्षा मुहिम के तहत जिले में 2474 सेफ्टी एंड हाइजेनिक किट प्रदान की है, जिसमें एक लाइफ बॉय सैनिटाइजर, 3 साबुन, 3 शैम्पू पाउच, फेस शील्ड मास्क शामिल है। सेफ्टी एंड हाइजीनिक किट से स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसके अलावा संस्था की तरफ से डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के लिए PPE किट भी तैयार की जा रही है, जिसके सैंपल पास होने के उपरांत प्रदेश के सभी जिलों के नागरिक अस्पतालों में इसका वितरण किया जाएगा। हमारी एक संस्था है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज हिसार, वहाँ से मुकुल देवतायल जी ने रक्षक की रक्षा मुहिम के तहत 2474 सैनिटाइज़र किट हैं, जिसमें एक लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र, 3 साबुन, 3 शैम्पू पाउच, 1 फेस शील्ड और 1 फेस मास्क है। ये यहाँ के आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर, वार्ड बॉयज़ वगैरह के लिए ये रक्षक की रक्षा मुहिम के तहत वहाँ से भेजा गया है। देखिए, इन्होंने कुछ फेस मास्क है, ग्लव्स है, फेस शील्ड है और भी इस टाइप का सामान जो PPE प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो लगता है हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, वो डोनेट किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी पहल है इनकी तरफ से, क्योंकि सरकार तो सामान दे रही है लेकिन यूज़ भी इतना ज़्यादा हो रहा है। हेल्थ वर्कर हर लेवल पे काम कर रहे हैं, फील्ड में भी है, हॉस्पिटल्स में भी है, तो वो यूटिलाइज भी काफ़ी कुछ हो रहा है। तो ऐसे में अगर स्वयंसेवी संस्थाएं आके योगदान अपना दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी और हमारे लिए भी। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।